हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस लाइन ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वह जनवरी में बॉर्डर जिलों के संवेदनशील होने के चलते उनका दौरा करेंगे। संजय कुंडू ने कहा कि कोविड काल में पुलिस ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुल्लू जिला में भारी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी गई है। इसी तर्ज पर उन्होंने ऊना पुलिस को भी चिट्टे के बड़े सौदागरों पर नजर रखने को कहा। डीजीपी कुंडू ने कहा कि जिला ऊना में अवैध खनन के मामलों पर रोक लगाने के लिए 10 माइनिंग चौकियां बनाई जा रही हैं। संजय कुंडू ने खुलासा किया कि वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बाद हिमाचल पुलिस ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट भी स्थापित कर दिया है। वहीं डीजीपी कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि अपराध के साथ साथ सड़क हादसों पर भी लगाम लगाई जा सके। यहाँ क्योंकि बॉर्डर एरिया है, खड वगैरह है, इलीगल माइनिंग का इशू है, तो उसमें हम कार्यरत हैं। सरकार ने 10 इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट अभी सैंक्शन किए हैं। हाल में तो उसमें माइनिंग और होमगार्ड का स्टाफ रहेगा, लेकिन अगले साल जैसे ही वित्तीय स्थिति बेटर होगी पुलिस का भी स्टाफ सैंक्शन हो जाएगा। हमको वित्त मंत्रालय से निर्देश आए हैं कि हर डीजी ऑफिस में एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट एस्टैब्लिश होना चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि मैंने क्राइम किया, उससे कुछ मेरे को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मैं उसको लेजिटिमेट चैनल्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो एस्टैब्लिश हो गई है। और उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के भी अधिकारी हैं। और जैसे जैसे हमको ऑर्गेनाइज क्राइम के डिटेल्स मिल रहे हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है या इलीगल माइनिंग है, हम ये डिटेल्स इनके साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो सके। देखिए, पूरा हिमाचल में आज के दिन में करीब 17,000 सीसीटीवी कैमरा है। हमारा मानना है कि 68,000 कैमरा में पूरा हिमाचल प्रदेश सैचुरेट हो जाएगा। और मैंने आग्रह किया एसपी साहब को कि जिले को भी आप सैचुरेट कर दो सीसीटीवी कैमरास से, और आप क्राइम मैपिंग करने के बाद कहाँ सीसीटीवी कैमरास लगने हैं उसको आप डिसाइड करो। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।